हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे शीत पित्त उदर और कॉट, ठीक है, और ट्राइकेरिस एलर्जिक रिएक्शन। व्याधि का परिचय देखते हैं। शीत पित्त उदर और कॉट व्याधि का परिचय देखेंगे। आचार्य माधवकर और आचार्य भाव प्रकाश ने शीत पित्त का स्पष्ट वर्णन किया है। बहतरई में शीत पित्त आदि का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। बहतरई के अंतर्गत क्या आता है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, ठीक है। बहत्तरई लघुतरई में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि माधवकर और भाव प्रकाश। शीत पित्त उदर कोट क्रमशः उत्तरोदर परिवर्तित जीर्ण अवस्था है, ठीक है। शीत पित्त होगा उसके उपरांत बाद में, उदर होगा उदर के बाद कोट होता है, तो उदर उत्तरोत्तर परिवर्तित जीर्ण अवस्था है, यानी उसके बाद धीरे धीरे ये अवस्थाएँ होती जाती है। आचार्य चरक ने कफ के नानात्मज विकारों में उदर का वर्णन किया है, ठीक है। अच्छा, चरक ने इसका वर्णन कहाँ किया है? उदर्द का वर्णन नानात्मज विकार में, कफ के नानात्मज विकार में उदर्द का वर्णन किया है। शीत पित्त से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित अर्टिकेरिया नामक व्याधि का ग्रहण किया जाता है। इस नाम से इसको जाना जाता है, शीत पित्त को अर्टिकेरिया। शीत पित्त वायु प्रधान होता है, उदर्द कफ प्रधान होता है और कोट रक्त दोष प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि शीत पित्त वायु प्रधान होता है, वात दोष प्रधान होता है, उदर कफ दोष प्रधान होता है और कोट रक्त दोष प्रधान होता है। आधुनिक चिकित्सा में विज्ञान में इन सभी का कारण एक ही माना है, एलर्जी। अनुर्जता मानी यानी एलर्जी मानी है, इन सभी का कारण एलर्जी के कारण ये होता है, शीत पित्त उदर और कोट, ठीक है। अब इनकी परिभाषा देखते हैं अपन आगे। परिभाषा हम देखते हैं। शीत पित्त त्वचा के ऊपर भ्रमर के काटने के समान रक्तवर्णी शोथ शीत पित्त कहलाता है। त्वचा के ऊपर ब्रवर के काटने से समान रक्तवर्णी शोथ होना शीत पित्त कहलाता है। अगर त्वचा के ऊपर किसी कीड़े ने काट लिया, कीटे ने काट लिया, ब्रवर यानी बवरीन काट लिया, तो रक्तवर्णी शोथ होता है ना, उसको शीत पित्त कहलाता है। उसके समान जो वर्ण होता है उसको शीत पित्त कहते हैं। उदर्द त्वचा के ऊपर तीव्र कंडुयुक्त शोथ, त्वचा के ऊपर कंडुयुक्त शोथ यानी खुजली चलेगी और शोथ यानी स्वेलिंग होगा उसको उदर्द कहते हैं, ठीक है। तो त्वचा के ऊपर भ्रमर के काटने के समान रक्तवर्णी शोथ को क्या बोलते हैं अपन? शीत पित्त कहलाता है। और त्वचा के ऊपर तीव्र कंडुयुक्त शोथ को उदर्द कहते हैं। कोट त्वचा के ऊपर कंडुयुक्त रक्तवर्णी शोथ को कोट कहते हैं। बार बार कोट होना उत्क्लोट कहलाता है, यानी कि त्वचा के ऊपर कंडुयुक्त और रक्तवर्णी दोनों, शीत पित्त और उदर्द दोनों होंगे तो कोट कहलाता है, ठीक है। त्वचा के ऊपर कंडुयुक्त रक्तवर्णी शोथ को कोट कहते हैं। बार बार कोट होना उत्क्लोट कहलाता है, ठीक है। शीत पित्त क्या था? त्वचा के ऊपर भंवर के काटने के समान रक्तवर्णी शोथ शीत पित्त कहलाता है। त्वचा के उदर्द देखते हैं, त्वचा के ऊपर तीव्र कंडुयुक्त शोथ को उदर्द कहते हैं। कोट क्या है? त्वचा के ऊपर कंडुयुक्त और रक्तवर्णी शोथ को कोट कहते हैं। बार बार कोट होना उत्क्लोट कहलाता है। शीत पित्त के निदान देखते हैं। उदर्द कोट इन तीनों के निदान देखेंगे। आचार्यों ने जैसा कि वर्णन किया है, श्लोक देखते हैं। शीत पित्त मारुतम सा स्पर्श प्रदुष्टो कप मारुतो, ठीक है। मारुत या वात का पर्याय है। शीतल वायु के स्पर्श होना, निदान में क्या है? शीतल वायु का स्पर्श होना, वमन कर्म का अयोग्य होना, सर्दी का वेग धारण करना, शीत उष्ण का एक साथ सेवन करना, एक साथ प्रभाव होना, ये होता है एक साथ सेवन करना शीत और उष्ण, विरुद्ध आहार करना, अंकुशमुख गंडू पदकर्मी का उपसर्ग, ठीक है। तो शीतल वायु का स्पर्श करना, वमन कर्म का अयोग्य, सर्दी वेग का धारण करना, शीत और उष्ण पदार्थों का एक साथ सेवन करना, विरुद्ध आहार, अंकुशमुख और गंडू पदकर्मी का उपसर्ग होना, ये निदान है। शीतवायु का स्पर्श करना, वमन कर्म का अयोग्य होना, चर्दी वेग का विधारण करना मतलब धारण करना चर्दी वेग को, शीत उष्ण एक साथ सेवन करना, विरुद्ध आहार करना, अंकुशमुख और गंडू पदकर्मी का सेवन करना, ये इसके निदान है। अब हम देखते हैं पूर्व रूप देखते हैं। शीत पित्त उदर और उनके कोट के। पिपासा अरुचि
प्रहलास देशाद गौरवम रक्तलोचनात् तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणं माधव निदान 50/2 50 चैप्टर दूसरा अध्याय ठीक है। पिपासा अरुचि रल्लास देहसाद अंग गौरव ठीक है। रक्त आलोचनात् ठीक है। तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणं क्या है पूर्वरूप तृष्णा अरुचि रल्लास देहसाद अंग गौरव नेत्रों का रक्तवर्णी होना ठीक है। पिपासा अरुचि रल्लास देहसाद और अंग गौरव रक्त आलोचनात् तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ठीक है। तो तृष्णा होना अरुचि रल्लास देहसाद अंग गौरव और नेत्रों का रक्तवर्णी होना ये क्या है शीतपित्त उदर्द और कोट के पूर्व रूप है ठीक है। आगे लक्षण देखते हैं अब हम लक्षण देखते हैं ठीक है। शीतपित्त उदर्द कोट भेद अनुसार लक्षण देखेंगे एक एक के लक्षण अलग अलग देखेंगे। शीतपित्त के लक्षण देखते हैं सर्वप्रथम ठीक है। तो त्वचा पर वर्टी ततया के काटने के समान चकते होना चकते बढ़ जाना त्वचा पे सबद सबद कंडू होना यानी इचिंग चलेगी तोद प्रिंकिंग पेन सर्दी वोमिटिंग ज्वर आएगा और दाह उत्पन्न होगा ठीक है। क्या क्या त्वचा पर वर्टी ततया के काटने के समान चकते होना कंडू खुजली जलना तोद होना पेन होना सर्दी ज्वर और दाह ये किसके शीतपित्त के लक्षण हैं ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अब देखते हैं उदर्द उदर्द के लक्षण ठीक है। उत्संग युक्त शोत उत्पत्ति मध्यम में दबा हुआ उत्संग युक्त शोत उत्पत्ति यानी मध्यम में दबा हुआ रहने से उत्पन्न होना रक्तवर्णी कंडो युक्त चकते बढ़ना ठीक है। शिशिर ऋतु में अधिक उत्पन्न होना ये कब प्रदान होता है तो शिशिर ऋतु में अधिक उत्पन्न होना कोट के लक्षण ठीक है। वमन कर्म में अयोग्य ठीक है। कोट किससे होता है रक्त दूषित रक्त कैसे दूषित होगा पित्त दूषित होगा ठीक है। तो वमन कर्म में अयोग्य होना वमन का वेग रोकने में अवरुद्ध यानी वमन वेग रोकने से पित्त और कप तथा अन्न के कारण रक्तवर्णी चकते होना ठीक है। पित्त अवरुद्ध हो जाए जिन्हें कोट कहते हैं इसमें पित्त तथा कोप दोष की प्रधानता रहती है ठीक है। कोट में ये इसके सामान्य लक्षण हैं। अब आगे इनकी संप्राप्ति ठीक है। सामान्य संप्राप्ति देखते हैं शीतम आरुतम स स्पर्शम प्रदुष्टो कप आरुतो पीतेन स संभूय बहिरंत विसर्पित ठीक है। निदानों का सेवन करने से प्रकोपित वात तथा कप पित्त के साथ मिलकर त्वचा तथा रक्त आदि धातुओं में फैलकर शीतपित्त उदर्द कोट आदि उत्पत्ति करता है। क्या करता है निदानों का सेवन करोगे प्रकोपित वात तथा कप पित्त के साथ मिलकर त्वचा तथा रक्त आदि धातुओं में फैलकर रक्त आदि धातुओं में फैलकर शीतपित्त उदर्द और कोट की उत्पत्ति करता है ठीक है। अब आगे देखते हैं संप्राप्ति चक्र देखते हैं ठीक है। तो निदानों का सेवन करना ठीक है। निदानों का सेवन करने से क्या होगा स्वकरण वात तथा कप का प्रकोर होगा स्वयं के कारण से वात तथा कप रोग निदानों का सेवन करा तो वात और कप का प्रकोप हो वात और कप मिलकर पित्त से ससंबंध बनाएंगे इनसे मिलेंगे ठीक है। और त्वचा तथा रक्त आदि धातु में प्रसर होगा इनका क्या होगा प्रसर होंगे फैलेंगे त्वचा तथा रक्त आदि धातु में प्रसर होगा ठीक है। यहाँ से दो भागों बाह्य त्वकाशित और आभ्यंतर त्वकाशित ठीक है ये होगा। और शोत फिर क्या होगा बाह्य दोनों मिलकर क्या होगा शोत तथा मुंड उत्पत्ति करेंगे ठीक है। दोनों मिलकर शोत तथा मंडल की उत्पत्ति करेंगे फिर शीतपित्त और उदर्द की उत्पत्ति हो जाएगी। तो निदानों का सेवन करना स्वकरण से वात तथा कप का प्रकोप हुआ उसके पश्चात क्या पित्त से ससंबंध बनाया त्वचा तथा रक्त आदि धातु में प्रसर हुआ फिर दो भागों में बटे बाह तो काशित और आभ्यंतर धातु स्थितम ठीक है। दोनों मिलकर शोत तथा मंडल उत्पत्ति करेंगे उसके बाद शीतपित्त और उदर्द का निर्माण हो जाएगा व्याधि उत्पन्न हो जाएगी।
ठीक है, ये है संप्राप्ति चक्र। आगे देखते हैं संप्राप्ति घटक। अब हम देखेंगे संप्राप्ति चक्र घटक, संप्राप्ति चक्र देखें, संप्राप्ति घटक दोष कौन सा होता है? वात, कफ, पित्त भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रधान कौन से? वात और कफ रहते हैं। ठीक है, दुष्य, त्वक तथा रक्त आदि धातुएं। स्रोतस, रक्त व स्रोतस रहता है। अधिष्ठान, त्वचा रहती है। स्रोत दृष्टि, विमार्गमन होता है। ठीक है, व्याधि स्वभाव आशुकारी होता है। साध्य साध्यता देख लेते हैं। ठीक है, शीत पित्त साध्य होता है, सुख साध्य होता है। ठीक है, उदर कृच्छ साध्य होता है और कोड भी कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, एक बार और देख लो संप्राप्ति घटक। दोष कौन से? वात और कफ रहेंगे। पित्त भी इन्वॉल्व रहता है, त्रिदोष रहता है, पर वात का प्रधान होता है। दुष्य, त्वचा और रक्त आदि धातु है। ठीक है, स्रोतस, रस, रक्त और स्रोतस रहता है। अधिष्ठान, त्वचा रहता है। श्रुत दृष्टि, विमार्गमन। ठीक है, व्याधि का स्वभाव आशुकारी होता है। साध्य असाध्यता देखते हैं, तो शीत पित्त सुख साध्य होता है और बाकी उदर और कोट कृच्छ साध्य होते हैं।